हाथरस जिले में दो और नए कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हुई 9। आपको बता दें कि जिले में पहले 4 जमातियों में हुई थी कोरोना वायरस की पुष्टि। 14 दिन के बाद 4 जमातियों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने भिजवाया था उनके घर। वहीं जिले में 3 और कोरोना वायरस पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसमें आगरा हॉटस्पॉट एरिया से आए सब्जी बेचने वाले व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव के साथ फिरोजाबाद में तैनात हाथरस के सिपाही में भी हुई थी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। आज सब्जी बेचने वाले के बेटे के साथ एक और युवक में हुई कोरोना वायरस पॉजिटिव की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्रजेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 9 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें 4 जमाती थे, उन्हें पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। अभी जनपद में 5 केस एक्टिव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हाथरस। सीएमओ साहब, आज जिले में कितने केसों की पुष्टि हुई है? आज जिले में कल रात में 2 केसों की पुष्टि हुई है, जिसमें एक सासनी का है और एक लाला नंगला संबंध है, जो कि पहले से ही मुरसान में हॉस्पिटल में जो भर्ती है केस उसका पुत्र है। और एक और केस जो निकला है वो कहाँ का रहने वाला है? और दूसरा सासनी का केस है। तो इस समय हाथरस जनपद में जो भर्ती मरीज है उसमें 3 एक्टिव केस है। अभी 3 एक्टिव केस है। और एक जो बता रहे हैं मेडिकल कॉलेज में भी कोई एडमिट है? मेडिकल कॉलेज में एक केस एडमिट है, जो कि मतलब यहाँ का था और लेवल 2 में वहाँ भर्ती है, वो एक्टिव केस अलीगढ़ में मौजूद है। तो अब तक जनपद में कितने एक्टिव केस हुए आज तक? जनपद के स्तर से 3 एक्टिव केस तो यहाँ भर्ती हैं और 1 AMO भर्ती है। एक अन्य केस जिसके आप बारे में आज वो फिरोजा संबंधित है, जो हम लोगों ने हाथरस में हमें मिला था, तो हाथरस को अलीगढ़ में भर्ती है। हमारे जनपद में जो रिपोर्ट आई है उसमें 2 पॉजिटिव केस मिले हैं नए। एक व्यक्ति तो वही है जो पहले पॉजिटिव था, उसी की फैमिली से दूसरा पॉजिटिव मिला है। एक व्यक्ति यहाँ साथ में पॉजिटिव मिला है और इनको दोनों को अलवन में शिफ्ट करा दिया गया। अभी किसी में कोई सिम्टम इस प्रकार का दिखाई नहीं दे रहा है, एसिम्टोमेटिक है दोनों केस। और कुल हमारे भी जनपद में 5 एक्टिव केस हो गए। सर, सासनी जिस क्षेत्र में मिला उसको हॉटस्पॉट भी बनाया गया? हाँ, हॉटस्पॉट बनाया गया। 1 किलोमीटर का एरिया उसका हॉटस्पॉट बना रहे। कुछ क्वारंटाइन भी किए गए? क्वारंटाइन भी किए गए हैं, लगभग 10 लोग क्वारंटाइन। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।